ये फिर ये किसने किया? सही, पहले ही बहुत गुस्सा है। अगर उसे ये पता चल गया कि ये साड़ी मेरी वजह से फटी है तो और गुस्सा हो जाएगी। क्या करूं, यहां से चले जाने में भला ही है। ये कैसे हुआ? अरे कल सुखाई थी तब तो ठीक थी। पत्र लेखा, वीनू क्यों नहीं आया नाश्ते का? देखो तो सारी उसकी पसंद की चीजें बनी हुई है ना। आई, मैं उसे नाश्ता कमरे में दे आई। बेटे को नाश्ता दे दिया लेकिन खुद नहीं खा रही हो। खा लो ना कुछ बेटा। मेरा मन नहीं आई। मन नहीं है, मन बस ऐसे ही करती हो। सॉरी, थोड़ी देर हो गई मुझे। बेट, तुम्हें क्या दूँ, सैंडविच दूँ? नहीं, भूख नहीं है, बस चाय दे देना मुझे। विराट, कल मैंने कैरम बोर्ड मंगवाया था, तुम लोगों ने उसे खोलकर देखा तक नहीं। सभी के साथ कब खेलेगा तू? थोड़ा टाइम निकाला कर, बच्चों के साथ भी वक्त बिताया कर। जी काकू, मैं टाइम निकाल के खेलूंगा बच्चों के साथ। मैं भी बच्चों के साथ वक्त बिताना चाह रहा हूँ। अच्छा, वीनू को कैरम खेलना नहीं आता, उसे सिखा देना। चौकीदारी से फुर्सत मिलेगी तभी तो टाइम निकालेगा ना। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि चौकीदारी से फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम बच्चों के लिए टाइम निकाल पाओगे ना। पूरी रात जागना, किसी और के कमरे के बाहर पहरेदारी करना, वो ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए। देखो बाकी, हालात कितने सीरियस हैं शायद तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो प्लीज। अच्छा, हालात इतने ज्यादा सीरियस थे कि तुम्हारा पूरी रात सही के घर के बाहर उसकी साड़ी ओढ़ के कुर्सी पे सोने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसी छछोरी हरकतें कर रहे हैं आप, द ग्रेट डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर विराट चव्हाण। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाने की? मैं तुम्हें कोई सड़क छाप मजनू दिखता हूँ? तुम्हारी हरकतें तो ऐसी थी, वरना कौन सा समझदार आदमी किसी दूसरी औरत की साड़ी ओढ़ के उसके कमरे के बाहर पूरी रात बैठा रहता है। अगर तुमने इतनी चिचोरी हरकत कर ही दी थी तो घुस क्यों नहीं गए उसके कमरे में? बस मैं वहां कोई चिचोरापन करने या सही के कमरे में घुसने नहीं गया था, उसकी हिफाजत करने गया था मैं। मैं देख के आता हूं। मिस्टर विराट चव्हाण के लिए पार्सल है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू दादा, ये पार्सल आपके लिए। क्या है विराट? सभी के लिए।
ट्रैकर मंगवाया था मैंने। ट्रैकर बैंड सभी के लिए? सभी को क्या जरूरत है ट्रैकर बैंड की? ताकि मुझे हमेशा पता रहे कि मेरी बच्ची कहाँ है। और हाँ, कल से हमारे घर के बाहर 2 होमगार्ड्स को ड्यूटी पे लगा रहा हूं मैं। विराट, क्या बात क्या है? ये गार्ड्स, ट्रैकर बैंड, सिक्योरिटी? बाबा, एक नामी गुंडा है अजय कांबड़े, कल सही का उससे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। बहुत खतरनाक है वो। सही से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमें भी नुकसान पहुंच सकता है उससे। तुम्हारा मतलब सही की वजह से ये खतरा हमारे दरवाजे तक भी पहुंच सकता है? बाकी मैं नागपुर का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हूं। हजारों दुश्मन है मेरे, और खतरा हमारे दरवाजे पर हमेशा सही रहा है। और वैसे भी सही अभी इस घर का हिस्सा है, और वो मेरी बेटी की आई है। अगर उस पर कोई खतरा आता है तो मैं उसकी हिफाजत करूंगा, भले वो घर के अंदर हो या बाहर। उम्मीद है इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे से पढ़ाई करना, टिफिन फिनिश करना, ओके? ओके। गुड मॉर्निंग सभी। गुड मॉर्निंग पापा। बाड़ा, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। पापा, अब मेरे लिए गिफ्ट आए हो? लेकिन पापा, आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, और आज तो दिवाली भी नहीं और क्रिसमस भी नहीं है। बाड़ा, गिफ्ट देने के लिए कोई ओकेजन होना थोड़ी ना जरूरी है। बाबा अपनी बेटी के लिए कभी भी गिफ्ट ला सकते हैं। ये रहा गिफ्ट। पापा, ये क्या है? अभी बताता हूँ। ये तो बहुत क्यूट दिखला है ना? ये पकड़ो, अपना लेफ्ट हैंड लाओ। गुड। पापा, ये क्या है? ये तो बहुत पैसी लग रही है। लेकिन ये है क्या? बड़ा, क्या है ना, मैं पूरा दिन आपको बहुत मिस करता हूँ, और कई बार जब मैं फ्री होता हूँ तो सोचता हूँ आपसे मिलने आ जाऊँ, लेकिन बाबा को तो पता ही नहीं होता कि उसकी छोटी सी सभी कहाँ है, क्या कर रही है। इसीलिए मैंने आपको ये वॉच दी है, और इसी से मुझे पता चलेगा कि आप कहाँ हो और क्या कर रहे हो। जब भी मैं आपको मिस करूँगा ना, मैं अपने फ़ोन में चेक कर लूँगा, और मुझे पता चल जाएगा कि मेरी सभी घर में है, स्कूल में है, या कहीं और। वेलकम। चलो अब जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो, आज बाबा आपको ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तुम अगर इसे ड्रॉप कर रही हो तो मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल निकल जाती हूँ। क्यों? मेरा मतलब है मैं तुम्हें भी ड्रॉप करूंगा। मुझे ड्रॉप? तुम्हारा पुलिस स्टेशन और मेरा हॉस्पिटल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तुम मुझे ड्रॉप करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में हॉस्पिटल आना चाहते हो? कोई लॉजिक है इस बात का? लॉजिक की बात तुम ना करो तो बेहतर है। किसने बोला था हीरोइन बनने के लिए? अब उसका नतीजा मुझे ही भुगतना पड़ेगा ना। वाओ, महान मत बनो। मतलब पुलिस वाले हो पता है मुझे, लेकिन मैं भी पुलिस वाले की बेटी हूँ, और गढ़चिरौली में उसके बाद कंकौली में ऐसे गुंडे मवालियों से निपट लेती थी। गढ़चिरौली में मैं स्कूल में थी, तब तुम मेरी जिंदगी में भी नहीं थे। मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लिया करती थी, इसलिए प्लीज रक्षक वक्षक मत बनो। बस सही, बस तुमसे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता। तुम कोई बात समझती क्यों नहीं हो? सही। अरे आप दोनों फिर से तो क्या करने लगे? चलो ना, आप दोनों के झगड़े की वजह से मैं ही स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। बाय पापा। बाय बाड़ा। बाय बाड़ा। तुम
तुमने सभी को जो ट्रैकर बैंड पहनाया है, ट्रैकर बैंड, वो उसकी सेफ्टी के लिए है ना? अगर मेरे जवाब दे देने से तुम्हारे जासूसी दिमाग को शांति मिलेगी तो हाँ, सभी को मैंने इसीलिए ट्रैकर बैंड पहनाया है। सही, मैंने कुछ कदम उठाए हैं सभी की सेफ्टी के लिए, ताकि मैं अपना मन उस किडनैपर, गुंडे, मर्डरर, जो भी कह सकते हैं उसे, उस आदमी से हटा सकूं। बात जब मेरी बेटी की हो तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। सही, अब तुमने उस अजय कांबड़े से पंगा ले लिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ऐसे ही चुप नहीं बैठने वाला है ना। वो मैं बस इस बात का ख्याल रख रहा हूँ कि कल को वो मेरी बेटी को कुछ ना कर दे। बस इसीलिए ट्रैकर बैंड पहना है, और ऐसा करके मैंने कुछ गलत नहीं किया है। प्लीज तुम मुझे कुछ बोलना मत। और मुझे ये जो हॉस्पिटल छोड़ने जा रहे हो, ये मेरी सेफ्टी के लिए? हाँ, नहीं, उसी तरफ जा रहा हूँ ना, तो इसीलिए। झूठ मत बोलो, अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, झूठ बोल रहे हो। नहीं, तुम अच्छे से नहीं जानती हो मुझे, क्योंकि अगर अच्छे से जानती तो तुम्हें याद रहता मुझे ड्राइविंग के वक्त ऐसे बात करना पसंद नहीं है। तो लेट मी ड्राइव। दादा देख कर चलाओ ना। उसे क्या घूर रहे हो? सही तो कह रहे हैं वो। ऐसे कौन गाड़ी चलाता है? पता नहीं, मैं नहीं होती तो क्या होता? क्या कर रहे थे? चिल्ला क्यों रही हो? हल्की सी झपकी लग गई थी मुझे। झपकी लग गई थी, फिर ठीक है, फिर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सॉरी हाँ, ये बाकी सबकी गलती है क्या? ऐसे सारा आराम कर रहे हैं ना, सो रहे, बीच में रोड पे रास्ते में आ रहे, सोने दोने आराम ही नहीं करने देते। ऐसे सोते हुए गाड़ी चलाते, डिप्यूटी कमिश्नर हूँ ना, ऐसे करोगे? मैं रोज रोज ऐसा नहीं करता हूँ, आदत नहीं है मेरी। कल पूरी रात तुम्हारे कमरे के बाहर मैं पहरेदारी कर रहा था, नींद पूरी नहीं हुई उसकी वजह से, और वो मच्छर ऐसे काट रहे थे, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे। तुम पहरेदारी कर रहे थे? तो और क्या करता? विराट, तुम अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। तुम रात भर पहरेदारी कर रहे थे, और क्या करोगे आगे? देखो सही, मुझे अपनी बच्ची और उसकी आय की हिफाजत के लिए जो भी करना पड़े करूंगा। विराट, मैं कुछ ही समय के लिए हूँ यहाँ पर, एक बार वीनू के मन से मेरे लिए जो नफरत है वो निकल जाएगी तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, मेरा और मेरी बेटी का ख्याल मैं अच्छे से रख सकती हूँ। सुना? हाँ, सुन लिया। एक मिनट, तो मेरी साड़ी तुम लपेट के सोए थे? लपेट के नहीं, ओढ़ के सोया था, क्योंकि सामने कुछ और दिख नहीं रहा था तो वही ओढ़ के सो गया। तो तुमने मेरी साड़ी फाड़ी है? नहीं, मैंने नहीं फाड़ी है, मुझे सच में नहीं पता कैसे फटी वो। मैं जब उसे लपेट के सो गया था ना, तुम्हारी साड़ी ओढ़ के जब सो गया था तब ठीक थी, लेकिन जब उठा तो पता नहीं कैसे फटी थी, तो वो हड़बड़ी में मैं ऐसे ही डाल के चला गया। यकीन करो मेरा, सच कह रहा हूँ,
प्लीज गुस्सा मत होना, मैं दूसरी दिला दूंगा। शट अप यार, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम चलो इधर आओ, मैं ड्राइव करूंगी। क्या तुम ड्राइव करो? हाँ, क्या भरोसा नहीं मेरी ड्राइविंग पर? तुमसे तो अच्छा ही ड्राइव करूंगी, देखा मैंने। पता नहीं मैं नहीं होती तो क्या करते। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं दोनों बच्चों को क्या जवाब देती? चलो बहुत बातें हो गई, आओ उतरो गाड़ी से। इधर आओ, मैं ड्राइव करूंगी। चलो उतरो उतरो। यही बैठो, मैं पानी लाती हूँ, यही बैठना। पानी पियो। कहा है पत्रलेखा? रात को खाना नहीं खाया था ना तुमने, सुबह भी नाश्ता नहीं किया था। चक्कर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? क्यों बाड़ा, क्यों ऐसे कर रही हो? भाई, जिस औरत की सौतन उसके घर में बैठी हो और उसका पति सौतन के घर से खाना खाकर आए, तो उसे भूख लगी भी तो कैसे? और क्या इतना काफी नहीं था जो विराट ने रात को कमरे से बाहर रहना भी शुरू कर दिया? सही के कमरे के बाहर कुर्सी लगाकर उसकी साड़ी ओढ़कर बैठना शुरू कर दिया। एक पत्नी ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी? है जिस सुहाग के नाम का मंगलसूत्र मैंने पहना है, वो मुझे छोड़कर किसी और को ज्यादा मानने लगे तो मेरे गले से निवाला कैसे उतरेगा? है और कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरा बेटा अभी भी सही के डर से उभर नहीं पाया है और शायद कभी उभर भी नहीं पाएगा। और मुझे तो ये भी साफ साफ नजर आ रहा है कि मेरा पति सही की मोहब्बत से ना कभी उभर सका था और ना ही कभी उभर सकेगा। हमेशा उसके इर्द गिर्द मंडराता रहेगा वो। आपने आज देखा ना ये क्या हुआ? मैंने जरा सा कुछ सही के बारे में बोल दिया और विराट आग बबूला हो गया था। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मुझे मुझे अपने पति से सवाल करने का भी हक नहीं है? नहीं, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पत्रलेखा नहीं, बेटा चुप, अपने आप को संभालो। पत्रलेखा, अगर तुम ही टूट जाओगी तो तुम अपना रिश्ता कैसे बचाओगी? मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ पत्रलेखा, क्योंकि मैं भी तो इस हालात से गुजर चुकी हूँ। एक वक्त ऐसा था जब मेरे पति भी मेरी नहीं सुनते थे, इसलिए कोई तुम्हें समझे ना समझे, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ जरूर समझती हूँ।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.